गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और चैप्टर विच इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, इनका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरह के कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। देखिए, नई चीज है आपके लिए, है ना। मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। इससे पहले आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बहुत थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, बहुत थोड़ा सा बिल्कुल, है ना। हम यहाँ बिल्कुल जीरो से बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं शुरू करूं ये चैप्टर, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं इस चैप्टर के बारे में। पहली बात कि ये चैप्टर आपके कंपटीशन के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से 2, 3 या कभी-कभी 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग है कंपटीशन के पर्पज से, ठीक है, उतना तो नहीं, लगभग उतना कह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अच्छा, एक और बात कि अगर ये चैप्टर आप लोग साथ साथ पढ़ते जाते हैं, इसके क्वेश्चन लगाते जाते हैं, तो आपको कभी जिंदगी में इसके क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, बट अगर आप कल पर छोड़ देते हैं मामला, तो दिक्कतें आपको आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को। एक आसान चैप्टर है ना, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आप सारे क्वेश्चन अपने बोर्ड्स के एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में लगा देंगे इस चैप्टर के, बस ध्यान से पढ़ता जाना। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है वो बात हम कर लें। देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे आज की क्लास में इंट्रोडक्शन की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेट करती हुई कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे, है ना, मतलब इसकी ABCD सीखेंगे, है ना। आप कोई भी नई चीज जब पढ़ते हो तो कोई लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो उसकी आपको ABCD तो आनी चाहिए ना, है ना। तो इसकी ABCD हम सीखेंगे। ठीक है, एक दो क्लासेस लग जाएंगी उसमें। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी नेमिंग के बारे में, है ना, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है। फिर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म के बारे में, मतलब ये भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह। ठीक है, तो वहां भी बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन आएगा, वहां से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इनके ज्योमेट्री को, इनके प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज जैसे मैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे, कलरफुल होंगे, कलरलेस होंगे, इस तरह की बातों को सीखने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, हमें कुछ बातें पढ़नी पड़ेंगी इस चैप्टर में। चलिए, तो मैं शुरू करूं बताना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और तरह के कंपाउंड से मिलवाता हूं, है ना, एक और तरह के कंपाउंड से मिलाता हूं। सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मैं शुरू कर रहा हूं, है ना। देखो, एक और तरह के कंपाउंड से मिलते हैं। अब जस्ट इमेजिन, आपके पास कोई सॉल्ट है ना, सॉल्ट फॉर एग्जांपल आपके पास KCl है। ठीक है, इसका आपके पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक कंटेनर है, कंटेनर में आपके पास KCl का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक, एक आपके पास दूसरा कंटेनर है और उस कंटेनर में आपके पास MgCl2 का एक्वस सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं किस एक्वस सॉल्यूशन में आपके पास आयंस कौन कौन से हैं सॉल्ट के, तो आप कहेंगे सर K+ और Cl-। बोलो हाँ, है ना। अरे, एक्वस सॉल्यूशन में ये आयोनाइज हो जाएगा, किसमें, K+ और Cl- में। ठीक है, मैं बात करूं MgCl2 की, तो यहां कौन कौन से आयन होंगे आपके पास, Mg2+ + 2Cl-। बोलो, क्लियर होती है बात में। ठीक है, इस तरह के आयन होंगे आपके पास। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता नहीं मेरा दिमाग खराब था, मुझे क्या करना था, मैंने इन दोनों कंपाउंड्स को मिला दिया। ठीक है, दोनों एक्वस सॉल्यूशंस को मिला दिया। अब मिलाने के बाद मेरे पास एक ऐसा मिक्सचर आया जिसमें दो तरह के सॉल्ट्स हैं, कौन कौन से, MgCl2 और साथ में क्या, KCl। बोलो, क्लियर है, ये दोनों का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। बोलो, क्लियर है बात में। ठीक है, अब सुनो ध्यान से क्या बताने जा रहा। जब मैं इस कंपाउंड को या इस मिक्सचर को क्रिस्टलाइज करूंगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म में बदलूंगा, है ना, क्रिस्टलाइजेशन करूंगा, तो ये एक नए तरह के कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। कौन से कंपाउंड में, सुनेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा KCl.MgCl2.6H2। जब इसको क्रिस्टलाइज करूं, मैंने क्या किया यहां पे, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन करने पर ये जो दोनों अलग अलग सॉल्ट थे, ये दोनों अलग अलग सॉल्ट मिलकर एक नया सॉल्ट प्रिपेयर कर लेंगे, और अब ये सॉल्ट क्या कहलाएगा, एडिशन सॉल्ट या एडिशन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही बात पढ़नी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी नहीं पढ़ा हमने, सबसे पहले एक और तरह के कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं, विच इज एडिशन
और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्या होते हैं एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ध्यान से देखेंगे। ये दोज कंपाउंड्स, ध्यान से कि दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू सॉल्ट्स, मोर देन टू सॉल्ट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंड सॉरी एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब ये कंपाउंड जो बना, इस कंपाउंड को मैं क्या कहूंगा, एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्लियर होती है बात मेरी? एक और एग्जांपल आप देख लें, है ना, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। एक और एग्जांपल आप देख लें, जस्ट इमेजिन मेरे पास था FeSO4, ठीक है, और मेरे पास था Al2SO4 का हाइड्रोजन, ठीक है। आपने FeSO4 का एक और सॉल्यूशन लिया हुआ था, ठीक है, आपने Al2SO4 का हाइड्रोजन इसका एक और सॉल्यूशन लिया हुआ था, दोनों के एक और सॉल्यूशन थे। आपने दोनों को मिलाया, तो मिलाने के बाद क्रिस्टलाइज करने पर एक नया कंपाउंड आपको मिल जाएगा। क्या कहा मैंने, सुनो, मैंने कहा कि आपने इन दोनों कंपाउंड्स को मिलाया। अब कौन कौन से कंपाउंड है इस मिक्सचर में? सर इसमें FeSO4 भी है, इसमें Al2SO4 का हाइड्रोजन है, है ना। एक्चुअली में ना सही बात तो ये है कि एक्वस सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में होते हैं, तो मुझे ऐसा कहना चाहिए कि सर इसमें Fe2+ आयन है, इसमें SO4-2- आयन है और इसमें Al3+ आयन है। बोलो सही है भाई। यहां केवल कौन से आयन थे? Fe2+ SO4-2-, यहां कौन से आयन? Al3+ और SO4-2-, इसमें कौन कौन से आएंगे? तीन आयन, SO4-2- तो कॉमन है। क्लियर हो गई बात मेरी? पूरे तरीके से लिखू तो एक Fe2+, चार SO4-2- और दो Al3+ आयन होंगे इसमें। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है। अब जब इस कंपाउंड को, इस मिक्सचर को मैं क्रिस्टलाइज करूंगा, है ना, इस मिक्सचर को मैं क्रिस्टलाइज करता हूं, ऑन क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, एक नया कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। कौन सा? सर FeSO4.Al2SO4 का होल थ्रोइस .6H2। बड़ा फेमस कंपाउंड है, आपने नाम सुना होगा इसका। इसे हम बोलते हैं मोहर्स सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसे? मोहर्स सॉल्ट। क्लियर हो रही है बात मेरी? ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कह रहे हैं? एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। फिर से सुन लें कि दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू सॉल्ट्स, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सॉल्ट से जो कंपाउंड बने वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। क्लियर होती है बात मेरी? एक और चीज यहां देखने लायक है कि ये कंपाउंड मिले तो हैं, ये सॉल्ट मिले तो हैं, पर एक सिंपल रेशियो में मिले। ध्यान रखना इनका रेशियो भी कैसा है, सिंपल, है ना। तो एक स्टाइकियोमेट्री रेशियो और वी कैन से एक सिंपल रेशियो में ये खेल खेलेंगे हम लोग, ठीक है। सारी कहानी सिंपल रेशियो की होगी, ठीक है, 1:1 में मिल जाए, 1:2 में मिल जाए, 1:3 में, मतलब सिंपल रेशियो। ऐसा नहीं होगा कि 1:1.5 हो, है ना, 1:2:1.5 हो। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, तो समझ में आया होगा इतना कि एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, एक और नई बात सीखते हैं। अभी जो एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिन्हें मैं कह रहा हूं, इन कंपाउंड्स को आप दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हो। कौन कौन से पार्ट्स में? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनो, दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हो। एक पार्ट जो ऊपर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, और एक पार्ट डबल सॉल्ट्स। क्या कहा मैंने, सुनो, मैंने इतना कहा कि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं इनको दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हो, फर्स्ट डबल सॉल्ट्स और सेकंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। मतलब यहीं से निकल के आता है ये वाला टर्म, ये जो मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स हैं कहां से निकल के आता है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कहां से निकल के आते हैं, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स को आप दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड सेकंड इज डबल सॉल्ट्स। क्लियर है बात मेरी? अब मैं आपको इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से परिचित कराऊं, उससे पहले हम थोड़ी सी डिटेल जानते हैं अबाउट डबल सॉल्ट्स, कि ये डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, है ना। तो आप अपनी कॉपीज में हेडिंग लगाएंगे डबल सॉल्ट्स, हेडिंग लगाएंगे डबल सॉल्ट्स, है ना, क्या होते हैं डबल सॉल्ट्स, है ना। अभी जो एग्जांपल हमने लिए थे एक्चुअली में वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स थे जो डबल सॉल्ट्स होते हैं। क्या कहा मैंने, अभी जो हमने एग्जांपल लिए ना वो वही मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स थे जो डबल सॉल्ट्स होते हैं, है ना। समझाते हैं, घबराओ नहीं। देखो, जस्ट इमेजिन मैंने एक और नया एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने
लिया Al2SO4 का हाइड्रोजन, ठीक है, और एक कंपाउंड मैंने लिया MgSO4, एक सॉल्ट लिया MgSO4, एक लिया Al2SO4 का हाइड्रोजन। इन दोनों का मैंने कौन सा सॉल्यूशन लिया है? एक्वस, कोई दिक्कत, ठीक है। और आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन में यहां पर कौन कौन से आए होंगे? Mg2+ और SO4 2-, यहां पर कौन कौन से आए होंगे? Al3+ और SO4 2-, ठीक है। मैंने इन दोनों को मिक्स किया और मिक्स कराने के बाद इनका कर दिया क्रिस्टलाइजेशन। क्या कर दिया? क्रिस्टलाइजेशन। अब इस वर्ड से तो परिचित है ना, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ना। चलो सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने Al2SO4 का होल थ्रोइस लिया, MgSO4 लिया, दोनों का क्या कर दिया? क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन कराने पर मेरे पास एक नया कंपाउंड आ गया, कौन सा? मेरे पास आया MgSO4.Al2SO4 का होल थ्रोइस .24H2। सुनाएं क्या नाम इसका? कभी नाम जानते हो? पोटाश एलम। क्या नाम इसका? पोटाश एलम। हाँ बिल्कुल फिट करी, है ना, फिट करी। एक एक्चुअली में डबल सॉल्ट होता है, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है। फिर से मेरे पास अलग अलग सॉल्यूशन थे, मैंने दोनों को मिला के क्रिस्टलाइजेशन कराया, मेरे पास क्या मिला? पोटाश एलम, ठीक है। सुनो सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई, सुनो, यहां तक तो पढ़ ही लिया था अभी, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ठीक है। अब ऐसा क्या स्पेशल है कि इसको आप डबल सॉल्ट भी कह रहे हो? इसको आप डबल सॉल्ट भी कह रहे हो, ऐसा क्या? देखो मॉलिक्यूलर कंपाउंड तो वो कंपाउंड होते हैं जो दो सॉल्ट से मिलकर बने, ठीक है, कम से कम दो सॉल्ट मिलकर बना रहे हैं, वो कंपाउंड क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो यहां ये डिक्लेयर कर सकते हैं आप लोग कि ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, पर सर आप इसको अलग कैटेगरी बना के, उसका एक पार्ट बना के डबल सॉल्ट कह रहे हो, ऐसा क्यों? तो कुछ और खास बातें इसके अंदर है, ये जो कंपाउंड है इसके अंदर कौन कौन सी, सुनो ध्यान से सुनते जाना। मेरे पास है MgSO4.Al2SO4 का होल थ्रोइस .24H2, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा ये कौन सी स्टेट होगी? सॉलिड। क्यों? अरे क्रिस्टलाइजेशन कराने के बाद सॉलिड स्टेट ही तो मिलती है, ठीक है। अच्छा ये सॉलिड स्टेट में है। अब मैंने क्या किया, मैंने कराया इसका आयोनाइजेशन। क्या कराया मैंने इसका? आयोनाइजेशन, ठीक है। अब इसका जब मैंने आयोनाइजेशन कराया, तो आयोनाइजेशन कराने के बाद ये अपने आयंस में टूट गया। जिन आयन से मिलके ये बना था उन सभी आयन में टूट जाएगा। कौन कौन से में? सर Mg2+, अरे इसका आयनाइजेशन कराने पर क्या मिलेगा? एक Mg2+, ठीक है, दो Al3+ और चार SO4 2-। बोलो क्लियर होती है कि नहीं होती है बात? यही तो मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि सुनना ध्यान से, यानी कि इसके जो आयन्स हैं उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को खोने नहीं दिया। क्या मतलब, क्या बोल रहे हैं सर? सुनो, ये पहले क्या था सॉलिड स्टेट में, अगर मैं आयंस की बात करूं तो कौन कौन से आयंस थे? Mg2+, SO4 2-, ठीक है, Al3+ और SO4 2-, वापस से, ठीक है, यही तो आयंस थे। क्या इन आयंस की आइडेंटिटी खत्म हो गई आयनाइजेशन कराने के बाद? या वापस इसको पानी में मैंने डाल दिया, अरे मैंने कहा इसको वाटर किसमें, वापस किसमें डाल दिया मैंने? वाटर में। मैंने इसका क्रिस्टलाइजेशन करके पोटाशियम बनाया, वापस पानी में डाल दिया, पानी में डालने पर ये आयनाइज हो गया इन आयंस में, ठीक है, मतलब अलग आयंस इसमें बना लिया। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या इसकी सॉलिड स्टेट में कुछ और आयंस थे, अब पानी में डालने पर एक्वस सॉल्यूशन में कुछ और आयंस है? नहीं, यानी कि आयंस ने अपनी आइडेंटिटी को खोने नहीं दिया, ठीक है। क्या मतलब, सुनो, फर्स्ट बात कि देयर आयंस रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? इन आयंस ने अपनी आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन में भी रिटेन करके रखा, बदला नहीं। क्लियर है? सेकंड बात सुनना ध्यान से कि जितने भी आयंस थे सबके सब निकल गए। तीन तरह के आयंस थे इसमें, ठीक है, सारे के सारे निकल गए। यानी कि सुनो कि दे कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। बोलो सही बात है कि नहीं है भाई? एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गए, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तीसरी बात कि मेरे पास ये कंपाउंड पोटाशियम की मैं बात करूं तो क्या यहां भी कर सकता हूं? क्या मतलब है, सुनो, मैंने इसको यहां क्या कहा था? पोटाशियम लिखा हुआ है वहां पे, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? पोटाश एल,
ठीक है, पोटाश अल्म। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इसका आयनाइजेशन कराया, आयनाइजेशन कराने के बाद भी ये पोटाश अल्म है क्या? नहीं, ये तो कुछ और बन गए, तो आयंस बन गए। क्लियर हो रही है बात मेरी? यानी कि ये कंपाउंड्स केवल कब एग्जिस्ट करेंगे? सॉलिड स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन में तो आयंस बना देंगे। क्लियर हो रही है बात मेरी? हाँ, वापस अब क्रिस्टलाइजेशन कराओ इसका तो ये बन जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है। बट एक्चुअली में ये कब एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा ओनली इन सॉलिड स्टेट, नॉट इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि डबल सॉल्ट्स एग्जिट्स, दे एग्जिट्स इन सॉलिड स्टेट ओनली। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, और शायद लगना भी नहीं चाहिए, है ना। बहुत ही आराम से मैं बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बताने की, है ना, एक एक पॉइंट क्लियर करने की, तो लगना तो नहीं चाहिए, फिर भी अभी लास्ट तक सब समझ में आ जाएगा, है ना। लेक्चर देखते रहो आराम से, सुनो ध्यान से, तीनों बातें क्लियर होनी चाहिए। सुनो कि मैंने बनाया पोटाश अल्म, ठीक है, बना दिया, ठीक है, यहां तक मैं इसको क्या कह रहा था, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब मैंने देखा कि इसमें कुछ खास बात है, क्या, कि जब मैं इसको वापस एक्वस सॉल्यूशन में डालता हूं तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, ये लिखा होगा, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज होके ये जो आयंस देता है वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते, रिमूव नहीं करते, जाने नहीं देते। ऐसा तो नहीं होता कि Mg2+ कुछ और में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, और साथ में एग्जिस्ट करेंगे ओनली सॉलिड स्टेट। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, इस वाले पॉइंट का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पॉइंट का मतलब समझो इसका, कि अगर मैं यहां कोई ऐसा टेस्ट कराऊं जो Mg2+ देता हो, अगर मैं यहां कोई ऐसा टेस्ट कराऊं जो Mg2+ देता हो, तो वो टेस्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। यहां मैं कोई ऐसा टेस्ट कराऊं जो Al3+ देता हो, सिंस यहां Al3+ आए हैं, तो वो टेस्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूं विद NaOH, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं एल्यूमिनियम आयन जो होते हैं वो NaOH के साथ मिलकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? AlOH का ऑल्थ्राइस में। क्लियर हो रही है बात मेरी? अब यहां से क्या पता लगा कि सर यहां पर Al3+ आयन है। जैसे मैं यहां BaCl2 डाल दूं, इस एक्वस सॉल्यूशन में BaCl2 डाल दूं, तो आपको एक वाइट पीपीटी मिल जाएगा, किसका? BaSO4 का। यानी कि ये BaSO4 का वाइट पीपीटी केवल कब मिल सकता है? जब सॉल्यूशन में SO4-2- आयन हो। तो यानी कि यहां से प्रूव होता है कि यहां पर SO4-2- आयंस भी प्रेजेंट है। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? मतलब दे गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर देयर रेस्पेक्टिव आयंस। क्लियर हो रही है बात मेरी? दे गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर देयर रेस्पेक्टिव आयन। सब आयंस के टेस्ट कैसे आएंगे यहां पे? पॉजिटिव। और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? डबल सॉल्ट्स। क्लियर हो रही है बात मेरी? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब सर बता क्यों रहे हो, है ना, बता क्यों रहे हो? क्योंकि यहीं से समझ में आएगा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, है ना। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ये चार बातें आप लोगों को याद रखनी है, कौन कौन सी, कि आइडेंटिटी को रिटेन करके रखते हैं, है ना, यानी कि पॉजिटिव टेस्ट देते हैं सभी आयंस के लिए। क्लियर हो रही है बात मेरी? कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में नहीं। अगर अब भी दिक्कत है तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं। जैसे मैंने लिखा था KCl.MgCl2.6H2, आपको पता है ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, दो सॉल्ट से मिलकर बना है, ठीक है। मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला, पानी में डाला वापस से, तो पानी में डालने पर इसने कौन कौन से आयन दे दिए? K+, Cl- और Mg2+। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, कितने Cl- देगा? 3 Cl-। क्लियर है बात मेरी? यानी कि कंप्लीटली आयोनाइज हुआ जितने भी आयंस थे सब में। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, साथ में सब आयंस ने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखा हुआ है। भाई जो आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में थी आयंस की, आयंस की तो यही आइडेंटिटी थी, ठीक है। भाई कौन कौन से आयंस थे सॉलिड स्टेट में? K+, Cl- और Mg2+। एक्वस सॉल्यूशन में वही आयंस है। हाँ, कंपाउंड केवल कब एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड स्टेट। क्लियर इतना? ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया, तो अब आप हेडिंग लगा दीजिए जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि एक्चुअली में व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, होते क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी आपको एनसीईआरटी में से नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अलग तरीके से दिया हुआ है चैप्टर शुरू में, वर्नर्स थ्योरी दी हुई है ना, अगर मैं वहां से पढ़ाता तो बहुत कंफ्यूजन होता आपको, ठीक है। सिक्वेंस शानदार रखेंगे अपन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स समझेंगे अभी, सुनो ध्यान से। एक एग्जांपल देते हैं, मेरे पास एक कंपाउंड है, जस्ट इमेजिन KCN डॉट 4KCN डॉट FeCN का हॉल ट्वाइस, ठीक है, डॉट 5H2 6H2 जैसे होता है, ठीक है, डॉट 5H2 नहीं, इसमें कोई H2 का मॉलिक्यूल नहीं होता है ना, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म है, आप तो याद रखो है ना, H2O से वैसे भी कोई मतलब नहीं होता, वो तो निकल जाता है पानी तो, है ना, 4KCN FeCN का हॉल ट्वाइस, मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है कि नहीं, पहले तो ये डिसाइड करो, बिल्कुल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। कैसे सर, दो सॉल्ट से मिलकर बना है तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड तो होगा। क्या आप इसको डबल सॉल्ट कह सकते हो? सर डबल सॉल्ट कहने के लिए और भी कंडीशंस हैं, अगर वो पूरी करेगा तो हम कह देंगे डबल सॉल्ट, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखते हैं, देखो इसको अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन में डालू, सुनना ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा, इसको जब मैं एक्वस सॉल्यूशन में डालू तो ये कौन कौन से आयन्स में टूटना चाहेंगे, सुनो सर, 4 तो के प्लस आयन देना चाहिए, ठीक है, 4 और 2 6 सर, 6 CN- देना चाहिए, बोलो हाँ ना, अरे 4 CN- और 2 6 CN-, और सर 1 Fe2+ आयन को देना चाहिए, यानी कि ओवरऑल ये कितने आयन देना चाहिए, 11 11 आयन देना चाहिए, ठीक है। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता बेटा, अगर ऐसा होता तो ये डबल सॉल्ट था, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। कैसे पता नहीं होता सर आपको, कैसे पता? अरे भाई टेस्ट करवाया मैंने जब CN- का टेस्ट कराया तो टेस्ट नेगेटिव आया, दैट मींस इसमें CN- तो नहीं है। मैंने जब Fe2+ का टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया, मतलब Fe2+ आयंस भी नहीं है। सर क्या कह रहे हो, कमाल कर दिया आपने, कैसे नहीं है? फिर से सुन लो मैं कह क्या रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि होना चाहिए था ये, पर ये नहीं होता, क्लियर है इतना, ठीक है। कैसे पता? टेस्ट से पता, पॉजिटिव टेस्ट नहीं आया, इन दोनों के नेगेटिव आए, के प्लस का पॉजिटिव आया पर CN- और Fe2+ का नेगेटिव आया। सर क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि एक्चुअली में ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, ये कौन कौन से आयंस में टूटता है, सुनना ध्यान से, ये टूटता है 4K+ प्लस FeCN का होल 4, एक्चुअली होल 6 है ना, FeCN का होल 6, और इस पूरे पर चार्ज होता है कितना, 4-। कुछ कुछ बात समझ आ रही है? अरे भाई कैसे पता, सब कैसे पता, एक्सपेरिमेंटली पता है ना, सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि सर ये नहीं टूटा इन आयंस में, ये एक्चुअली में कौन कौन से आयन में टूटा, 1K+ में और 1 टूटा FeCN6 4-। क्लियर हो रही है मेरी बात? थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, आ रही है या ऊपर से जा रहा है भाई, कि ये किन आयंस में टूटा, इन दो आयंस में टूटा, ठीक है, 4K+ प्लस FeCN का होल 6 4-, ठीक है बात मेरी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सुनो, यानी कि ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड, सुनना ध्यान से, ये कंपाउंड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा, अगर कंप्लीटली आयोनाइज होता तो ये आयंस बनते हैं। सर क्लियर बात है कि दिस कंपाउंड, या मैं लिख दूं अभी दोज कंपाउंड्स, या दीज कंपाउंड्स लिखना चाहिए ना, दीज कंपाउंड्स डज नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। अरे दिख रहा है, एक्सपेरिमेंटल दिख रहा है भाई, कि ये जो कंपाउंड है ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होगा, क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। सेकंड कि इसके जो आयंस बने उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया, टेस्ट नेगेटिव दे रहा है, साथ में इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। कैसे? सुनो, आपको पता है कि KCN जो होता है पॉइजनस होता है, जानते हो ना, भयंकर पॉइजनस होता है, ये कंपाउंड भी CN- की वजह से पॉइजनस होता है, ये पॉइजनस नहीं होता, तो आइडेंटिटी भी खोनी, क्लियर हो गई बात मेरी, प्रॉपर्टीज भी अलग हो गई, क्लियर हो रहा है कुछ कुछ। मैंने कहा कि ये कंपाउंड, सुनना ध्यान से, डेफिनेशन लिख रहा हूं अभी, दीज कंपाउंड डज नॉट आयनाइज कंप्लीटली। दूसरी बात कि आयंस ऑफ या रेस्पेक्टिव आयंस lost their identities in aqueous solution। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ये जो आयंस हैं ये अपनी आइडेंटिटी को रिमूव कर देते हैं, खो देते हैं, क्लियर। जबकि डबल सॉल्ट में ऐसा नहीं हो रहा था, देखो मॉलिक्यूलर कंपाउंड ये भी है, ध्यान से देखो, दो सॉल्ट से मिलकर बना है, ठीक है, बट ये डबल सॉल्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, डबल सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज हो रहा था, ये नहीं हो रहा,
डबल सोल्ट में जो आयंस थे वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखे हुए थे, ये नहीं रखे हुए हैं। क्लियर है? ऐसे कंपाउंड्स को हमने क्या कहा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऐसे ही कंपाउंड्स को हमने क्या बोल दिया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, इसको इस तरह नहीं लिखा जाता जिस तरह मैंने यहां लिखा हुआ है, मैंने बता दिया आपको लिख के। एक्चुअली में यहां दो ही तरह के आयंस हैं, K प्लस और FeCN का होल 6 4 माइनस। तो इसको कैसे लिखा जाता है देखेंगे ध्यान से। K4 FeCN का होल 6 किस तरह लिखा जाता है इसको? K4 FeCN का होल 6 क्यों लिखा? क्योंकि यही तो दो आयंस है इसमें, इसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन है एक सिंपल आयन है। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, यहां पर ध्यान से, यहां पर जो Fe आयन है, Fe2+ आयन है, ये बांध के रखता है किसको? CN- आयन को। क्लियर है? थ्रू दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड के थ्रू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड के थ्रू। इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? आप इस कंपाउंड को जानते भी हैं, याद करो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने एग्जांपल लिया था इसका, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुछ कुछ समझ आ रहा है? अभी और बात करेंगे, टेंशन मत लो, है ना। दो बातें अभी पढ़ी हमने इसके बारे में कि ये कंपाउंड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, ठीक है, और इसके जो आयंस बने कौन कौन से? 4K+ और FeCN का होल 6 4-, ठीक है, ये जो आयंस बने इन्होंने अपनी आइडेंटिटीज को लॉस्ट कर दिया, ठीक है। मेरे को ऐसा लिखना चाहिए सम ऑफ द रेस्पेक्टिव आयंस, है ना, सारे के सारे तो नहीं करते। जैसे यहाँ के प्लस ने अपनी आइडेंटिटी को वही रखा है, बरकरार रखा है, पर Fe2+ और CN- ने खो दिया, तो सम ऑफ द रेस्पेक्टिव आयन लॉस्ट देयर आइडेंटिटीज इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो दो बातें हम लोगों ने की इसके बारे में, एक और कर सकते हैं, एक और डिफरेंस देख सकते हैं हम लोग कि देखो ये जो हम डबल सोल्ट की बात कर रहे थे वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था? सॉलिड स्टेट में, है ना, बिल्कुल सर, सॉलिड स्टेट में कर रहा था। ये सॉलिड स्टेट है इसकी, आप इसको एक्वस में डाल दो जब भी आयन तो रहेगा। क्लियर हो रही है बात मेरी, है ना। अरे कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसकी वजह से है? इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करेगा और एक्वस सॉल्यूशन में भी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं दे एग्जिस्ट बोथ सॉलिड एज वेल एज एक्वस स्टेट। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड स्टेट में और एक्वस स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और साथ में अगर आप इनके टेस्ट कराओगे तो Fe2+ का आपको कोई पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलेगा, CN- का आपको कोई पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलेगा, हाँ K+ का मिलेगा। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, तो इतना हम लोगों ने जाना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कि क्या होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बातें करते हैं थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। आप लोग देख पा रहे हैं कि इसको लिखने का एक अलग ही तरीका है, ब्रैकेट्स बहुत यूज में लिए जाते हैं, है ना, अपने आप ही सीख जाओगे तो सिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड को लिखा कैसे जाता है। वापस से देख लो, अभी लिखा था, है ना, एक आयन जो कि अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा उसको हम इस तरह लिख देते हैं K4, ठीक है, और जो अपनी आइडेंटिटी को खो देगा, जिसमें आयन्स अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे या फिर आपने देखा था कॉम्प्लेक्स आयन रहेंगे, उसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। क्या था यहाँ पे? FeCN का होल 6। क्लियर है बात मेरी? आपको नजर आ रहा है कि इस कंपाउंड में दो पार्ट है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके दो पार्ट है। ये पार्ट कहलाता है आयोनाइजेबल पार्ट, क्या कहलाता है? आयोनाइजेबल पार्ट, ठीक है, और ये पार्ट कहलाता है नॉन आयोनाइजेबल पार्ट। और भी नाम है, भी देखते हैं, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, या कह दूंगे तो प्रॉपर्टी है, ये जो पार्ट होगा ये आयोनाइजेबल होगा, आयंस में टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा। क्लियर? अच्छा, एक और बात कि इस पार्ट को हम जानते हैं एक और नाम से, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। किस नाम से? कोऑर्डिनेशन स्पेयर के नाम से, ठीक है, और इस पार्ट को हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से। किस नाम से? कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से। या कुछ किताबें इसका एक और नाम लिख देती हैं, काउंटर आयन।
क्या लिख देती है, काउंटर लाइन। आपको याद रखनी है छोटी छोटी बातें, ऐसे अपने आप याद होती जाएंगी, है ना। इतनी बार हम नाम लेंगे इनका फिर से। ये क्या है, कोऑर्डिनेट स्फीयर। ये क्या है, काउंटर लाइन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पकड़ो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्या है, ये FeCl का होल सेट आपको नजर आ रहा है जिसमें 6 Cn माइनस आयन आयरन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये 6 Cn माइनस आयन आयरन के साथ एक डेफिनेट ज्योमेट्री में जुड़े होंगे बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किस तरह से, इस तरह से एक Cn जुड़ा होगा, यहां से एक Cn जुड़ा होगा, ठीक है, यहां से एक Cn जुड़ा होगा, यहां से एक Cn जुड़ा होगा, इस तरह से एक रेगुलर ज्योमेट्री आएगी, मतलब ठीक है, इस तरह से। यहां देखोगे तो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाती है। कैसी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो बहुत बेकार बनी है ना, फिर भी 6 आयंस हैं। आपने पढ़ी ना वसेपर थ्योरी, VBTs, ठीक है, इन थ्योरी से आपने देखा था यहां पर एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी। कौन सी, ऑक्टाहेड्रल, कब, जब 6 Cn माइनस जुड़े होंगे। अल्दो डिपेंड करेगा कितने मॉलिक्यूल्स या आयंस यहां जुड़े हुए हैं इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। ये सब पढ़ लेंगे हम ना। इसको सेंट्रल मेटाएटम कहते हैं, है ना, इसको लिगेंड कहते हैं, लिगेंड्स, ठीक है। तो ये जो स्पीसी है ये कितनी भी जुड़ी हो सकती है इस स्पीसी के साथ, ठीक है। आप ऐसे पढ़ लो ना इसको कि जेड, ऐसे पढ़ लो ज्यादा बेटर है, जेड यहां लिखा एक्स वाई का होल है। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। अब यहां एक्स कोई भी स्पीसी हो सकती है, वाई कोई भी स्पीसी हो सकती है, क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। तो ये वाई है, ये एक्स के चारों तरफ एक रेगुलर ज्योमेट्री में जुड़ी होगी और इस रेगुलर ज्योमेट्री को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट टेट्राहेड्रॉन। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन टेट्राहेड्रॉन। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन टेट्राहेड्रॉन। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद रखनी है कि इसके दो पार्ट होंगे, आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल, ठीक है। और नॉन आयनाइजेबल जो पार्ट होगा उसमें एक रेगुलर ज्योमेट्री भी आपको देखने को मिलेगी जिसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट टेट्राहेड्रॉन। और यहां पर इसके एक्स और वाई के बीच में जो बॉन्ड होंगे वो कौन से बॉन्ड होंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। पढ़े थे ना आपने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में, है ना, पढ़ा तो था सर, याद नहीं है, घबराओ मत, आ जाएगा दोबारा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होंगे, इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कह देते हैं, या कभी कभी इन्हें हम डेटिव कंपाउंड्स भी कह देते हैं। रीजन जानते हो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम और क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड्स। क्लियर है, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना, फिर कल बात करेंगे, है ना, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं इसके। जैसे मैं बात करूं एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एयर OH का होल फोर, ठीक है, और Cl, ये कंपाउंड लिया मैंने, ठीक है। अब आप देखो यहां पे कि ये वाला जो स्पेयर है, ये वाला जो पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, अरे जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। इसको क्या लिखना चाहिए, AlOH का होल फोर। अगर मैं तोड़ूंगा इसको तो कौन कौन से आयंस में टूटेगा, माइनस प्लस सॉरी, और Cl माइनस। कैसे निकाला, अरे OH पर कितना चार्ज होता है, एक, तो चार OH पर फोर माइनस, इस पर कितना होगा, प्लस थ्री, ओवरऑल क्या चार्ज आएगा, मैंने गलत लिखा इसको, एक मिनट, यहां आगे लिखता हूं K, ठीक है। तो ये माइनस में टूटेगा और साथ में क्या बनेगा, K प्लस, ये कंपाउंड सही है, वो गलत था, K प्लस AlOH का होल फोर माइनस। तो यहां पर जो ये वाला पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसको मैं क्या कहूंगा, कोऑर्डिनेट स्फीयर। अब इसमें जो OH है वो एक रेगुलर ज्योमेट्री में जुड़े होंगे Al के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। और ये जो बाहर है इसको हम क्या कहेंगे, काउंटर आयन। क्लियर होती है बात मेरी, दो चीजें याद रखेंगे, एक होता है काउंटर आयन, ठीक है, दूसरा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, एक काउंटर आयन, दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसमें AlOH का होल फोर किस तरह होगा, AlOH एक रेगुलर ज्योमेट्री में OH और OH और OH, इसको क्या कहूंगा मैं, कोऑर्डिनेट टेट्राहेड्रॉन। इसको मैं क्या बोलूंगा, कोऑर्डिनेट टेट्राहेड्रॉन। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, CO NH4 का NH3 का होल फोर और Cl2, मान लो ये कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, ये कंपाउंड है मेरे पास। अब इस कंपाउंड को आयोनाइज करो, किस पे टूटेगा, CO NH3 का होल फोर 2+ और Cl2Cl-, ऐसे ही तो टूटेगा ना। इस बार पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, इस बार पॉजिटिव चार्ज आ गया,
क्लियर है बात मेरी, क्योंकि काउंटर आयन कैसा है आपका नेगेटिव, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको लिखा मैंने बाहर, अब इसकी भी एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी, क्लियर है बात मेरी। अब चार जुड़े हुए हैं तो हो सकता है ये टेट्राहेड्रल हो सकता है स्क्वायर प्लेनर हो, वो आगे की बात है कि इसकी ज्योमेट्री हम कैसे निकालेंगे, कैसे जान सकते हैं इसकी ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा साल्ट, ठीक है। अब वो तो डबल सॉल्ट में भी था, वो यहाँ भी है, देख लो दो सॉल्ट हैं, है ना। इसको जब तोड़ोगे तो ये जो कंपाउंड बना है एक्चुअली दो सॉल्ट से मिलकर बना है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, है ना, शुरू शुरू में, ठीक है। अभी तो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे कि दो सॉल्ट होंगे इसके अंदर, दो सॉल्ट ही होते हैं इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ इससे पहले वाले एग्जाम्पल की, कौन सा एग्जाम्पल लिया था हमने, AlOH का होल फोर, है ना, और K+, तो यहाँ दो सॉल्ट होते हैं, एक तो KOH हो सकता है ना, एक AlOH का होल थ्रोइस था, ठीक है, KOH AlOH का होल थ्रोइस, तो डबल डबल या सॉरी दो या दो से ज्यादा सॉल्ट से मिलकर ये बनते हैं, ये कंपाउंड भी दो या दो से ज्यादा सॉल्ट से मिलके बनते हैं। फिर हमने मॉलिक्यूलर कंपाउंड को डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। वहां हमने देखा कि इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था इनको समझना। लास्ट में आपको ये बात याद रखनी है कि दो पार्ट होंगे, एक बड़ा वाला या नॉन आयनाइजेबल पार्ट होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट स्फीयर। नॉन आयनाइजेबल पार्ट को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट स्फीयर, और एक को क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसके आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके नोट्स अच्छे से बनाएं, है ना, अभी कोई दिक्कत हो तो आप उससे पूछ लें, ठीक है, वरना आगे दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, है ना। थैंक यू।